Today we are going to prove Fisher's lemma. So its statement is, if xi is equal to 1 to sum of 2n are independent normal variates with mean 0 and variance sigma square, and they are transformed to a new set of variables yi, where I is equal to 1 to sum of 2n by means of linear orthogonal transformation, then yi is equal to 1 to sum of 2n are also independent normal variates with mean 0 and variance sigma scale. इनके कहने का मीनिंग है, अगर हमारे पास x1, x2, sum of xn नॉर्मल वेरिएट्स प्रेजेंट हैं विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, अगर हम इन वेरिएट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन टू द न्यू वेरिएबल्स, तो जो हमारे न्यू वेरिएबल्स होंगे वो भी हमारे इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स ही होंगे विद द मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. सो बेसिकली हमें अप्लाई करनी है लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन पे हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें पहले. सो लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम ये थ्री टर्म्स यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग क्या है, ये तो हो गई हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. और बिकॉज ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोगोनल है, दैट्स वाई ये टू कंडीशंस हमारी स्टैंड करेंगी. सो बेसिकली हमें लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है जिसमें हम ये थ्री टर्म्स को यूज़ करते हैं. देखिए लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन पर हमने अलग से एक स्मॉल सी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. आप प्लीज़ उसे एक बार जरूर जाकर चेक करें. सो दैट्स वाई आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो लेट स्टार्ट. एक्चुअली में इन थ्री टर्म्स का मीनिंग क्या है कि हमारी एक्चुअली में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ओनली ये है जिसको हमें यूज़ करना है. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ऑर्थोगोनल है, दैट्स वाई हमारी ये टू कंडीशंस होल्ड करेंगी, ठीक है. सो अब हमें पहले से ही दे रखे हैं x1, x2, sum up to xn इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है. इनका अगर हमें जॉइंट पीडीएफ निकालना हो तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, पीडीएफ ऑफ x1 का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पीडीएफ एक्स टू वेरिएबल, सो ऑन अप टू मल्टीप्लाई बाय पीडीएफ ऑफ एक्स एन वेरिएबल. ओके, पीडीएफ इनका किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल वेरिएट्स है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ के इक्वल ही होगा. बस आपको मीन की जगह पर यहाँ पर जीरो पुट कर देना है. देखिए मीन हमारा यहाँ पर कहाँ पर होता है, हमें यहाँ पर लिखते हैं एक्स माइनस मीन की ओवरऑल स्केयर. सो हमने मीन की जगह जीरो पुट किया, दैट्स वाई हमारे पास ओनली आ गया एक्स वन की स्केयर, ठीक है. अच्छा अब देखिए ये सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी एन टाइम्स आ रही हैं, दैट मीन्स इस टर्म की पावर एन हो जाएगी, ठीक है. अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, ई हमारे बेस सेम है, पावर जेड अप हो जाएंगी, दैट इज़ जस्ट सबमिशन अप्लाई हो जाएगा और वन टू थ्री सोन टू एन की जगह पर हमारा आई आ जाएगा, ठीक है. वेयर आई वेरिंग फ्रॉम वन टू थ्री सोन अप टू एन, एंड मोर ओवर माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ तक टर्म आ गई. अच्छा अब और सुनिएगा, हमारी जो लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें एक्चुअली में एक्स वाई ए जो मैट्रिक्सेस होती हैं उनकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है. सो नाउ अगर हम वाई ट्रांसपोज एंड एक्स ट्रांसपोज निकाले वो हमारे इसके इक्वल होगा. ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, कॉलम्स रोज में हो जाती हैं कन्वर्ट एंड रोज कॉलम में. सो वैसे अगर हमारी एक्स मैट्रिक्स ये है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको अगर हमें ट्रांसपोज निकालना हो वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा. अब सुनिए, अगर हम एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दें तो हमारे पास ऑब्वियसली ये आंसर आएगा, दैट इज़ सबमिशन. इसको हम ऑल्सो लिख सकते हैं ना, सबमिशन ऑफ एक्स आई की स्क्वायर, ठीक है. सो अब हमें मालूम पड़ गया, दैट इज़ सबमिशन एक्स आई स्क्वायर की जगह पर आप एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकते हैं. ये तो हमारे पास निकल गया जॉइंट पी डी एफ ऑफ द गिवन वेरिएबल्स. अब हमें ट्रांसफॉर्म करना था इन गिवन वेरिएबल्स को टू द न्यू वेरिएबल्स, ठीक है. तो हम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ज्वाइंट पी डी एफ में एक्स वन एक्स टू सोन अप टू एक्स एन की जगह पर वाई वन वाई टू सोन अप टू वाई एन का ज्वाइंट पी डी एफ निकालेंगे, ठीक है. सो इनका ज्वाइंट पी डी एफ हम ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकालेंगे, दैट इज़ आपको जो एक्स वन एक्स टू सोन अप टू एक्स एन का ज्वाइंट पी डी एफ था उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देनी है उसके आंसर में, ठीक है.
दैट इज़ यहाँ पर देखिए आंसर में x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x निकला था और हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। दैट्स वाई आप आंसर में अगर इसकी जगह पर ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका जॉइंट पीडीएफ बन जाएगा इन सभी का। और आपको मालूम है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमारे पास हमेशा ही जैकोबियन साथ में मल्टीप्लाई होता है, सो दैट्स वाई हमारे पास जैकोबियन की मॉडुलस वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें जस्ट ओनली जैकोबियन की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। सो देखिए हम जैकोबियन की जगह वन अपॉन जैकोबियन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जैकोबियन का मीनिंग क्या होता है, पुराने वेरिएबल्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द न्यू वेरिएबल्स दैट इज एक्स वन एक्स टू सोन अप टू एक्स एन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द वाई वन वाई टू सोन अप टू वाई एन वेरिएबल्स। अब हम वन बाय जैकोबियन निकाल रहे हैं, दैट इज उल्टा हो जाएगा, दैट इज अब हम निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यू वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसको हम कैसे खोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले की इन सभी के साथ टर्न बाय टर्न, नेक्स्ट अगले वाले की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज टर्न बाय टर्न, सोन अप टू हम कह सकते हैं कि वाई यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज टर्न बाय टर्न। सो अब हमें इन सभी डिफरेंशिएशन का आंसर निकालना होगा, इनका आंसर निकालने के लिए हमें y1, y2, so on to yn की वैल्यू चाहिए होगी, तभी हम उनकी डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। अब देखिए उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें ये वाली बात मालूम है दैट इज अ y मैट्रिक्स इज इक्वल टू a मैट्रिक्स इन टू द x मैट्रिक्स। अगर आप x मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ओवरऑल ये वैल्यू आएगी दैट इज जो y मैट्रिक्स की इक्वल है, ठीक है। सो इससे हमें मालूम पड़ गया y1 की वैल्यू ये इसके इक्वल है, y2 की वैल्यू इसके एंड सो ऑन टू yn की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करनी है वाई वन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वन। देखिए इस पूरी टर्म की डिफरेंशिएशन अगर आप एक्स वन के साथ करेंगे ये सभी टर्म्स तो आपके पास जीरो के इक्वल हो जाएंगी बिकॉज इनमें तो एक्स वन प्रेजेंट ही नहीं है, दैट्स वाई ये कॉन्स्टेंट टर्म्स की तरह काम करेंगे। एंड नाउ अगर आप ओनली इस टर्म की डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वन आपके पास आंसर आएगा ए वन वन, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ए वन वन। अब देखिए वैसे ही वाई वन की अगर आप एक्स टू के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी सभी टर्म्स का आंसर जीरो और इसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे आपका आंसर आएगा ए वन टू, ठीक है। सो ऑन अप टू आपका आंसर आएगा ए वन एन, दैट इज़ आपकी ओनली कॉन्स्टेंट टर्म्स ही आंसर आई जा रही हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स आ रही हैं आंसर में। दैट मीन्स आपके कुछ इस प्रकार के आंसर आएंगे वो तो एक्चुअली आपकी ए मैट्रिक्स ही है, दैट मीन्स वन अपॉन जैकोबियन आपके पास आ गया ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नाउ अब आपको ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें स्टार्टिंग में ही रिलेशन दे रखा था दैट इज़ अ ए ट्रांसपोज इन टू ए इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों साइड हमने डिटर्मिनेंट ले लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ अब ऑब्वियसली इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये भी मालूम है, इसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल ए डिटर्मिनेंट की स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस वन। देखिए हमारे पास वन अपॉन जैकोबियन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन, जैकोबियन की वैल्यू भी प्लस माइनस वन ही होगी, ठीक है। बट हम तो साथ में जैकोबियन की मॉडुलस वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे थे, दैट मीन्स जो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी वन। सो सिंपली हमने यहाँ पर वन पुट कर दिया एंड जैसे हमारे पास ऊपर एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स की वैल्यू सबमिशन एक्स आई स्केयर निकली थी, वैसे ही अब हमारे पास वाई ट्रांसपोज इंटू वाई की वैल्यू सबमिशन वाई आई स्केयर लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो हमारे पास ओवरऑल ये आंसर आ गया दैट इज़ अ जॉइंट पी डी एफ ऑफ वाई वन वाई टू सोन अप टू वाई एन का, ये आंसर हमारे पास आ गया। एंड अब आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर सकते हैं और आपको मालूम पड़ जाएगा दैट इज़ वाई वन वाई टू वाई सोन टू वाई एन उन सभी का पी डी एफ आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पी डी एफ की इक्वल है विद द मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमने मोर ओवर डिस्क्रीट कंटिन्यूस टी एफ जेड एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स पर भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक बार उन्हें भी जाकर जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।